प्रभु, बिना आपके उस दिव्य रथ के मेरे सारथी होने का क्या अर्थ? अभी वो दिव्य रथ मेरा हुआ नहीं है भावुक, किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा? प्रभु, मुझे स्मरण है, वो दिव्य रथ मैं आपके युद्ध के समय चलाया करता था, परंतु मेरे शापित होने के पश्चात वो दिव्य रथ भी विष्णु लोक से चला गया था। अर्थात कहाँ? वो दिव्य रथ इस समय नाग लोक में है प्रभु, आपको नाग लोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा और उसके उपरांत ही मैं आपका पूर्ण रूप से सारथी बन पाऊंगा। कान्हा, मैंने गरुड़राज की सहायता से सारी स्त्रियों को उनके घर पे पहुंचा दिया, अब चलो हमें भी अपनी यात्रा पुनः आरंभ करनी चाहिए, और अब तो हमारे पास सारथी भी है। सारथी तो है दव, परंतु वाहन नहीं है। तो फिर दव, तो अब हमें उस वाहन को प्राप्त करने के लिए नागलोक जाना होगा, जिसका नाम है जैत्र रथ। हे गंगा मैया, मुझे आपके पवित्र जल के धार की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने पुत्र के लिए मातृ कवच का निर्माण कर सकूं। इस पूरे संसार में आपसे अधिक स्नेहशील और दयालु माता और कोई नहीं। आप सभी के पापों को अपने अंदर धारण कर लेती है और फिर उन्हीं पर अपने पुण्य की कृपा बरसाती है। आपसे अधिक विशाल हृदय और किसी का नहीं, इसलिए मुझे इस कार्य के लिए आपके जल की आवश्यकता है। मुझे अपना जल प्रदान कीजिए माता, कृपा कीजिए। हे यशोदा, धन्य है आप और आपकी ममता, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं आपके पुत्र के किसी काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। हे गंगा मैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए मैया कि मैं शीघ्र अति शीघ्र अपने पुत्र के लिए मातृ कवच का निर्माण कर सकूं, ताकि उसका जीवन सुरक्षित हो सके। उस बुझ चुकी ज्वालामुखी के मुख से होकर ही नागलोक का मार्ग जाता है। इससे पूर्व भी उस दिव्य रथ को प्राप्त करने के लिए कई असुरों, यक्षों और देवताओं ने प्रयास किया है, परंतु उनमें से अधिकांश नागलोक तक पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंच पाए वो लौट कर वापिस ना आ पाए। इसका कारण क्या है? उस ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश करते ही संसार की सभी शक्तियां, दिव्यता विफल हो जाती हैं। फिर चाहे वो मनुष्य हो, देवता या असुर, उनको केवल उनकी बुद्धि का ही सहारा होता है। वहां छल बल अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आता। तो इसमें इतने चिंतित होने की क्या बात है? हम वहां जाएंगे भी और उस रथ को प्राप्त करके आएंगे भी। दाऊ, इस यात्रा पर मुझे अकेले ही जाना होगा। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हें उस नागलोक में अकेला कैसे भेज सकता हूँ? कान्हा, नागलोक विपत्तियों से भरा होगा। मेरा उस रथ से आत्मीय संयोजन है दाऊ, मेरी इंद्रियां मुझे उस तक पहुँचने में मेरी सहायता करेंगी। यदि मैं अकेले जाऊंगा तो पकड़े जाने की आशंका भी कम होगी। परंतु कान्हा, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है दाऊ? सचेत रहना कान्हा और अपना ख्याल रखना। ठीक है दाऊ। स्मरण रहे प्रभु, कोई शक्ति, कोई लीला, कोई चमत्कार वहाँ कुछ काम नहीं आता।
शस्त्र के नाम पर केवल आपकी तीक्ष्ण बुद्धि ही होगी आपके साथ। नारायण नारायण। प्रभु अब तो कान्हा ने सारथी बाहु को भी प्राप्त कर लिया है और उनकी यात्रा जैत्र रथ की ओर बढ़ चुकी है और यही उनके यात्रा का अगला पड़ाव भी है ना प्रभु? देव ऋषि, अब वो समय समीप आ रहा है जब कान्हा को कृष्णा बनना है, जब संसार उनके उस रूप के दर्शन करेगा जिसकी हमें कई वर्षों से प्रतीक्षा है। अब यह अध्याय उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां से उनका अवस्थान्तर होने वाला है। अब कुछ ही समय में छोटे कान्हा की यात्रा स्वतः बड़े कृष्ण की यात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। नारायण नारायण। प्रभु मेरी उत्तेजना मैं आपसे कैसे व्यक्त करूं? नन्हे से कान्हा को श्री कृष्ण में बदलते देखने की लालसा क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही है। किंतु प्रभु मेरी एक दुविधा है, कृपा करके उसे सुलझाए प्रभु। यात्रा रथ तो आपके पास था तो फिर वो नागलोक कैसे पहुंचा प्रभु? देव ऋषि, उस जैत्र रथ की बस एक ही समस्या है, उस रथ को धारण करने वाला उसका कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। इसी कारण उसे नागलोक में स्थापित कर उसे विलक्षण नागों के संरक्षण में रख दिया गया है, क्योंकि नागलोक से उसे केवल वही निकाल सकता है जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कीर्ति, ये पायल, ये चूड़ियां हमारी राधा पर अच्छी लगेंगी ना? हाँ अवश्य, लाल रंग तो हमारी राधा बिटिया पे बहुत ही खिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पसंद बहुत अच्छी है। ये तो है वृषभानु जी, किंतु एक बात बताइए, हमारी राधा बिटिया इतनी छोटी सी हैं, फिर उनके विवाह की तैयारी अभी से क्यों? गिरधर, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम्हारी संतान होगी तब तुम्हें इस बात का अनुभव होगा कि एक पिता के लिए उसकी पुत्री का विवाह करना कितना बड़ा दायित्व होता है। अभी से थोड़ी थोड़ी करके वस्तुएं एकत्रित करूंगा तो उसके विवाह तक सारी वस्तुएं एकत्रित हो जाएंगी, और वैसे भी समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सत्य कह रहे हैं आप, ऐसा लगता है हमारी राधा बिटिया का जन्म कल ही हुआ था और देखते ही देखते वो इतनी बड़ी हो गई। हाँ कीर्ति, बड़ी तो हो गई, किंतु कीर्ति हमारी राधा बुद्धि और समझदारी में और अधिक बड़ी हो गई है। नारायण नारायण। प्रभु माँ की ममता इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, किंतु एक पिता का अपनी पुत्री के लिए प्रेम और स्नेह उतना ही महान और हृदय स्पर्शी होता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि जिस दिन देवी राधा का धरती पर विवाह संपन्न होगा उस दिन वृषभानु उन्हें कैसे विदा करेंगे प्रभु। सत्य कहा देव ऋषि आपने, इस संसार का सबसे सुंदर और सबसे कोमल संबंध है पिता पुत्री का। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बिना कहे ही समझ जाते हैं। पुत्र यदि पिता के धन संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है तो पुत्री को माता पिता की भावनाएं और स्मृतियां धरोहर में मिलती हैं। पुत्र यदि गौरव होता है तो पुत्री सम्मान होती है। परिवार रूपी वृक्ष की यदि शाखाएं हैं पुत्र, तो पुत्री उस वृक्ष की जड़ है। पुत्र तो एक आयु के बाद घर का उत्तरदायित्व लेता है, परंतु पुत्री तो बचपन से ही भिन्न भिन्न रूपों में संपूर्ण घर को संभालती है। देव ऋषि, पुत्री का श्रम निस्वार्थ होता है क्योंकि पुत्री के अंतर्मन में जन्म से ही एक जननी का वास होता है। वो पूरे घर का पहले सोचती है फिर स्वयं का। सीता की विदाई के समय भी जनक भावुक हो गए थे क्योंकि सीता
उनकी बड़ी बेटी होने के साथ साथ ही उनका गौरव भी थी। उसी प्रकार विषभानु भी राधा को देखकर उस क्षण की कल्पना कर रहे हैं जब राधा उनसे विदा होकर अपने ससुराल जाएगी। पुत्री की विदाई के समय अपने अधरों पर हंसी लिए अपने अश्रु छुपाता पिता, इससे हृदय विदारक दृश्य और क्या हो सकता है देव ऋषि? नारायण नारायण। हाँ प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि एक पिता पुत्री का संबंध सबसे पवित्र क्यों होता है। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सखियों, मैंने भोजन बनाने के लिए सब्जियाँ इकट्ठी कर ली हैं। किंतु राधा, आज तो हमें पनघट पर जाना था। नहीं सखियों, आज हम पनघट पर नहीं जाएंगे। आज हमारा मन हमारी मैया की सहायता करने का है। हमने निर्णय किया है, आज हम अपने हाथों से भोजन बनाकर अपनी मैया को खिलाएंगे। किंतु तुम्हें भोजन बनाना कहाँ आता है? हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 100,000 गैया हैं, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते। भोजन बनाना आने से गैया होने का क्या संबंध? हमारी मानो तो अब तुम सबको भी भोजन बनाना सीख लेना चाहिए। किंतु अभी तो हम छोटे हैं। इस आयु में हमें खेलना और आनंद मनाना चाहिए। हाँ, मेरी बुआ कहती है कि एक बार भोजन बनाने सीख लिया तो जीवन भर यही कार्य करना होता है। इसीलिए अभी जितना आनंद मना सकती हो मना लो, फिर तो जीवन भर यही कार्य करना है। सखियों, भोजन पकाना कोई कार्य नहीं है। मेरी मैया कहती है भोजन पकाना तो एक कला है। तुम्हें भोजन पकाने से पहले भोजन खाने वाले का स्वाद समझना होता है, और फिर रचनात्मक शक्ति से ऐसा भोजन पकाना पड़ता है कि खाने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। जैसे हमारी मैया का भोजन कर हम सब आनंदित और मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तुम सत्य कह रही हो राधा, कान्हा को नियंत्रित करने के लिए उसकी मैया उसे स्वादिष्ट भोजन ही कराती है। उस ग्वाले को अब किसी भी वस्तु का मोह ही कहाँ रहा, न मैया के भोजन का और न ही मैया के माखन का और न ही अपनी गोपी का। अरे राधा, तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कान्हा को कैसा भोजन अच्छा लगता होगा। कान्हा को तो हर प्रकार का भोजन स्वादिष्ट लगता है। बचपन से उसने हर घर से भोजन चुरा के जो खाया है। सखियों, तुम मेरा एक कार्य करोगी? अवश्य राधा, बोलो क्या कार्य है। हम चाहते हैं कि कान्हा के लिए मोर पंखों का वस्त्र बनाएं। उसके लिए हमें ढेर सारे मोर पंख चाहिए। इतने मोर पंख एक दिन में ढूंढ लाना संभव नहीं है राधा, किंतु फिर भी हम धीरे धीरे कर मोर पंख जुटा ही लेंगे। किंतु हमारी एक शर्त है। क्या? अगर कान्हा को मोर पंख वस्त्र अच्छा लगा तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि हमने भी तुम्हारी सहायता की है। अवश्य, चलो अब हम चलते हैं, हमें सबके लिए भोजन बनाना है। We'll be right back.
मामा श्री आप? जहाँ मेरा भांजा वहाँ उसका ये मामा। मामा श्री, आप मथुरा छोड़कर इस वन में क्यों भटक रहे? उतना भोला तू है नहीं जितना दिखता है। इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, तू भी उसी कारण से यहाँ आया है ना? और आपके अनुसार वो कारण क्या है? छोड़ दे सरलता का ये स्वांग परमावतार श्री कृष्ण। जब तू मेरे मुख से सुनना चाहता तो सुन। चैत्र रथ प्राप्त करने आया हूं मैं यहाँ। मैं जानता हूं कि तू भी यहाँ इसीलिए आया है। जागते हुए स्वप्न देखता है ना कि जब तू मेरा वध कर रहा होगा तो ये रथ तेरा वाहन होगा। हम दोनों के शरीर में बहता लहू ही नहीं, अभी तू हमारा लक्ष्य भी एक ही जैसा है। रथ पर सवार होकर मेरा वध करना चाहता है और मैं रथ की सहायता से तुझे मार देना चाहता हूँ। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई मामा जी कि आपको पता लग गया है कि आपका मेरे हाथों होने वाला है। फिर विलंब क्यों? चलिए चलकर उस रथ को खोजते हैं। जो योगी होगा उसे रथ स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। परंतु एक बात स्मरण रहे, वहाँ आपकी सारी असुरी शक्तियाँ विफल हैं। तू भी मत भूल, तेरा मामा हूँ, हर विषय में तुझसे अधिक ज्ञान रखता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ ना तो मेरी असुरी शक्तियाँ चलेंगी और ना ही तेरा कोई छल कपट। प्रतीत होता है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये नागलोक ही तेरी समाधि बन जाएगा। मामा, जितनी ऊर्जा बोलने में व्यय करते हैं ना, यदि उतनी ऊर्जा आप धर्म के कार्य में व्यय करते हैं ना, मथुरा की उन्नति और बढ़ जाती। चलिए आपकी अंत की यात्रा को आरंभ करते हैं। अब देखते हैं कि हम दोनों की युद्ध में कारगर सिद्ध होने वाला ये रथ किसके हाथों लगता है। चले मामा। ओम कंसाय नमः। राधा बिटिया को देखा क्या? आपने देखा क्या राधा बिटिया को? राधा बिटिया, आपने देखा क्या राधा बिटिया को? कहाँ चली गई होगी? कहाँ हो तुम राधा? आपने देखा क्या राधा बिटिया को? राधा बिटिया, कहाँ चली गई होगी? ऐसा तो कभी नहीं करती वो। अरे काकी, क्या हुआ? आप बड़ी चिंतित लग रही है। बिटिया, क्या तुम्हें पता है राधा बिटिया कहाँ है? अरे काकी, आप उसे यहाँ ढूंढ रही है जबकि वो तो घर पर है। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं अभी तो घर से आ रही हूँ। अरे काकी, मैं अभी राधा से मिलकर आ रही हूँ, आप स्वयं जाकर देख लीजिए। ठीक है। राधा बिटिया, बिटिया कहाँ हो तुम? उत्तर दो बिटिया। राधा, बिटिया मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने हमसे कहा था ना मैया कि हमें घर का कोई भी कार्य नहीं आता। देखिए, हमने अपने हाथों से ये सारा भोजन बनाया है। घर का कोई भी कार्य भोजन बनाने से अधिक कठिन तो नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अब हम घर के कोई भी कार्य कर सकते हैं और गायों का भी ध्यान रख सकते हैं बिना आपकी सहायता के। बड़ी हो गई है मेरी राधा बिटिया,
तो इसी बात पर आप लड्डू खाइए। मैया, लड्डू कैसा बना है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं गंगा मैया का पवित्र जल ले आई। ज्ञात हुआ कि माता गंगा की इस पुण्य यात्रा पर आपके प्रियजनों की मंडली भी आपके साथ गई थी। जी गुरुदेव। कहाँ है वे सब? किंतु मेरे कारण उनके प्राण संकट में आ गए थे। यदि इस यात्रा में उनके जीवन पर कोई भी क्षति आ जाती तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती। इसलिए भारी हृदय के साथ मैंने उनको घर भेज दिया। चाहे कुछ भी हो गुरुदेव, किंतु ये परीक्षा सिर्फ मेरी है। उचित है देवी, इस धर्म पथ पर यहाँ से आपकी तपस्या की यात्रा का आरंभ होगा। इस गंगा जल से आपको माता कामधेनु के चरणों को पखारना होगा, क्योंकि माता कामधेनु के चारों पैरों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शक्ति का वास होता है। और शक्ति अपने साथ अहंकार लाती है और संयम उस अहंकार को वश में रखता है। और माता कामधेनु शक्ति और संयम के इस संतुलन की साक्षात परिभाषा है। जाइए देवी, माता कामधेनु की आराधना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी गुरुदेव। तो ये है नागलोक का द्वार। भांजे, तू यहां आ तो गया कि तू जा नहीं पाएगा। हाँ माँ, ये तो समय ही बताएगा ना। बेटा, व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहा है। अंत में जैत्र रथ भगवान कंस को ही तो मिलने वाला है। वाह वाह मामा, हम तो नागलोक के भीतर प्रवेश भी नहीं किए और आपने अपने विजय होने की घोषणा कर दी। आप तो अंतर्यामी निकले, परंतु इसी को तो अहंकार कहते हैं। और अहंकार का अंत कैसे होता है ये तो आपको भली बात ही ज्ञात होगा। किस चिंता में डूब गए मामा? क्या मैंने कुछ अनुचित बोल दिया? आगे बढ़िए, आपके पास समय अत्यंत कम है और आपको वैसे भी किसी कारण में विलंब नहीं करना चाहिए। केवल कुछ ही दिन शेष है आपके जीवन के। मामा ठहरिए। भयभीत हो गया? नागलोक के भीतर प्रवेश करने का विचार ही बदल दिया? मामा विचार नहीं बदले, अभी तो मैंने आपका जीवन बचा लिया। ये देखिए। मामा, यदि आपका ये भांजा आपको रोकता नहीं ना, तो आपका मुझसे युद्ध करने का स्वप्न स्वप्न ही रह जाता। ये लावा की नदी है और जयत्ररथ को पाने के लिए हमें इसे पार करना होगा। कैसे करेंगे आप इस लावा की नदी को पार? क्या विचार है आपके मामा? इन शिलाओं पे अपने पग रख के इस मृत्यु रूपी नदी को मैं तो पार कर लूंगा, किंतु तू, तेरे छोटे छोटे पग दो पत्थरों का अंतर कैसे पार कर पाएंगे? अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही परम अवतार श्री कृष्ण पराजित हो गए। मामा जी, आप तो कह रहे थे आप अपने पगों से इस मृत्यु रूपी
नदी को पार कर जाएंगे। मामा आप मेरी सहायता के अतिरिक्त उस पार कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन पत्थरों में से कौन सा पत्थर वास्तविक है और कौन सा नहीं, ये तो मुझे ही ज्ञात है मामा श्री। विश्वास क्यों करूं मैं तेरी बातों पर? चलिए मामा, ये कंकड़ में वास्तविक पत्थर पे फेंकूंगा। मामा, अब मैं इस कंकड़ को जिस भी पत्थर पे फेंकूंगा वो बनावटी होगा। अब आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि आप अपने भांजे अर्थात छली के बाद सुनेंगे अथवा नहीं। अब मेरे छोटे छोटे पग तो पत्थरों का अंतर तय नहीं कर पाएंगे, और आपको ये ज्ञात नहीं है कि कौन सा पत्थर वास्तविक है और कौन सा नहीं। ऐसी स्थिति में उस ओर जाने का एक ही उपाय है, आपको मुझे अपनी गोद में उठाकर इस नदी को पार करना होगा। मैं मार्ग बताता जाऊंगा मामा श्री। इतना समय नहीं है मामा, शीघ्र बताइए स्वीकार्य अथवा नहीं। नारायण नारायण। प्रभु परम अवतार श्री कृष्ण इस पापी कंस के साथ कौन सी माया रच रहे हैं? देव ऋषि, कान्हा कोई माया नहीं रच रहे हैं, अपितु अपनी भक्ति का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण। भक्ति का आनंद, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मुनिवर, उन शिलाओं को ध्यान पूर्वक देखिए, उन पर कान्हा के ही पूर्व अवतार का नाम अंकित है। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसी सेतु के पत्थर है जिनकी सहायता से श्री राम ने त्रेता युग में लंका तक की यात्रा तय की थी और पापी रावण का अंत किया था। प्रभु, देव ऋषि, आपकी दृष्टि और प्रज्ञता दोनों ही प्रशंसनीय है, ये वही सेतु है। नागलोक समुद्र के भीतर है और ये सभी पत्थर आज भी श्री राम के भक्त हैं। इसी कारण वो अपने प्रभु के नवीनतम अवतार के दर्शन के लिए और उनकी सहायता के लिए यहां पहुंचे हैं। मुनिवर, ये उन पत्थरों की भक्ति ही तो है जो उन्हें यहां खींच लाई है। नारायण नारायण। प्रभु, धन्य है आपके भक्त और धन्य है उनकी भक्ति। नारायण नारायण। हे कामधेनु माता, मैंने गंगा मैया के पवित्र जल से आपके पांव पखारे हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज एक माँ ने दूसरी माँ के चरण पखारे हैं, सच्ची भक्ति के साथ मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ, बताओ मुझसे क्या चाहती हो? हे कामधेनु माता, मुझे आपकी शक्तियों की आवश्यकता है ताकि मैं अपने पुत्र के लिए मातृ कवच का निर्माण कर सकूं, वो कवच जो मेरे पुत्र की रक्षा करे, उसे और अधिक विवेकवान बनाए, उसे न्याय प्रधान बनाए और उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना को और बढ़ाए। हे यशोदा, तुम्हारे विचार उत्तम हैं,
परंतु इस प्रकार इस कवच का निर्माण होना असंभव है, क्योंकि मैं अकेले इस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकती। माता, मैं बहुत आशाएं लेकर आई, यदि आप भी ऐसा कहेंगे तो। मैं सत्य कह रही हूँ देवी, इस कार्य के लिए तुम्हें भूमि माता का सहयोग भी लेना होगा। तुम्हें मेरे दूध से भूमि माता का अभिषेक करना होगा और तभी हम तीनों माताओं की शक्ति से उस कवच का निर्माण होगा। हे कामधेनु माता, क्या आप मुझे अपना पवित्र दुग्ध प्रदान करेंगे? की गोद में खेलने का कुछ और ही आनंद है। अब मुझे समझ में आया कि मामा के नाम में दो माँ क्यों होती हैं। इतनी ममता माँ के पश्चात किसी में है तो वो है मामा में। जी तो करता है अभी तेरा कंसनाम सत्य कर दूं, किंतु विवश हूं। संकल्प लिया है तुझे रणभूमि में मारने का। क्या मामा, आप हर समय मारने या मरने की बात करते रहते हैं। अभी तो अपने भांजे के साथ खेलने का आनंद ले लीजिए मामा। हमारा युद्ध जब होगा तब होगा। हे ये मामा, ये सामने वाले में। मामा एक बात कहूं कि जीवन में किसी यात्रा में पहली बार इतना आनंद आया है। अब हम पहुंच गए हैं मामा। चलो बहुत उड़ लिया। अब स्मरण रहे कुछ ही क्षणों में जैतरथ रथ तेरे मामा का होने वाला है और तेरी दशा शेर के समक्ष एक मेमने की तरह होगी। तो फिर चलिए, पूरा आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा मामा। चलिए ना। गर्गाचार्य, आप तीनों माताओं का आह्वान करता हूं, यदि आप देवी यशोदा की भक्ति आराधना से प्रसन्न हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करें। हे गंगा मैया, हे कामधेनु मैया, हे धरती मैया, आप तीनों माताओं ने इस संपूर्ण सृष्टि को अपने पुत्रवत प्रेम और स्नेह से संभाल रखा है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि ये पुकार एक माता की अपने पुत्र के लिए है। हम प्रसन्न हुए आपकी भक्ति से। कहिए आपको क्या वर चाहिए।
हे संसार की सबसे पवित्र माताओं, हमें कान्हा के लिए मातृ कवच का निर्माण करना है और यह कार्य आप तीनों की सम्मिलित शक्ति द्वारा ही संभव हो सकता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी शक्तियाँ कवच बनकर कान्हा को सुरक्षा प्रदान करेंगी। हमारी शक्तियाँ केवल श्रेष्ठ माता ही धारण कर सकती हैं। इसी कारण हे यशोदा, हम तीनों आपको मातृशक्ति प्रदान करते हैं। तुमने हर प्रकार से अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। मामा, आप क्या करें? ये तक्षत प्रजाति के नाग हैं, जो इस चैत्र रथ की रक्षा में तत्पर हैं। इन सर्पों के दंश मात्र से अनेकों मनुष्य का अंत हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, चैत्र रथ नहीं, इसे पाने की लालसा अब क्षीण होने लगी है। तू ही कोई बुद्धि लगा, उपाय सुझा। वाह वाह मामा, मैं आपसे आयु में और अनुभव में छोटा हूँ, किंतु आप सहम पीछे रहकर मुझे आगे जाने को कह रहे हैं। जितने वो घातक नाग आपके लिए हैं, उतने घातक वो मेरे लिए भी तो है ना मामा जी। अच्छा, उस कालिया नाग को किसने मारा था? तूने ना? अब कालिया नाग के समक्ष ये नाग है क्या? मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागों के इस जाल से तू जयत्र रथ को अवश्य छुड़वा लेगा। शेष तेरी इच्छा, मुझे ये रथ नहीं चाहिए। एक बार इन नागों के जंगल से तू रथ को छुड़वा ले, इस रथ को मैं तुझसे छीन लूंगा पांजे। ठहरिए मामा, आप चलिए मुझे कहते और स्वयं चल करते। मामा, किंतु आप जो मनी मनी ये योजना बना रहे हैं ना, वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि नागलोक में छल कपट या दिव्य शक्ति नहीं चलती है। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान कंस का भांजा कहलाने योग्य एकमात्र तू ही है। तेरे अन्य सात भाई जो हुए थे वो इस योग्य नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथों से उनका कल्याण कर दिया। अब तू ही है जो इन सर्पों से मुझे बचा सकता है। मामा, कितनी भी मन मन में योजना बना लो, किंतु वो जयत्र रथ तो मेरा ही होने वाला है। जब पूरे संसार को ज्ञात होगा कि महाबली कंस सर्पों से भयभीत हो गए, फिर वो लोग क्या कहेंगे? और आपका नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा और सभी आपका नाम भूल जाएंगे। एक बार प्रयास करके देखिए, मुझे लगता है इन सर्पों को जयत्र रथ से हटाने के लिए केवल असुराज कंस का नाम भी पर्याप्त होगा। एक तू ही है जो अपने मामा को समझता है, एक वो तेरी मैया देवकी। यदि उसने समझा होता तो मेरा जीवन सरल हो गया होता। सत्य कहा तूने, इनके लिए तो मेरा
नाम ही पर्याप्त है। ओम कंसाय नमः। अरे ये क्या करने लगे, ये तो अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करने लगे। किंतु मैंने तो इनको पहले ही बता दिया था कि कोई भी दैवी शक्ति अच्छल कपट यहाँ काम नहीं आएगा। हे नागो, ये भगवान कंस का आदेश है। जत्ररथ मुझे सौंप दो। मामा ये मत रहना नहीं ना लोगे, यहाँ आपका नहीं इनका आदेश चलता है। परंतु तेरे तेरे कहने पे तो मैं वो तो मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था जिसमें आप असफल हो गए। भगवान कंस से खेल खेलता है भांजे। चल, भगवान कंस से ये कार्य संपन्न नहीं हुआ, कदाचित परम अवतार श्री कृष्ण ये कार्य कर ले। सुना है तेरी प्रार्थना से, तेरे निवेदन पर बड़े बड़े पत्थर भी मार्ग से हट जाते हैं। तो लगा अपनी बुद्धि, जा। हे नागो, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए मुझे इस दिव्य रथ की आवश्यकता है। अतः मेरी प्रार्थना है आपसे, इसे मुझे यहाँ से ले जाने की अनुमति दे। असफल हो गए परम अवतार श्री कृष्ण। तुझे क्या लगा, जो भगवान कंस की शक्ति नहीं कर सकी तेरी बुद्धि कर लेगी, तेरी प्रार्थना कर लेगी, तेरा निवेदन कर लेगा, मूर्ख। तो अब कैसे अधिकार में लेगा इस जत्र रथ को